हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी स्मूदी की रेसिपी जो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम करेगी और आपकी पेट की समस्या को ठीक करने के लिए ये स्मूदी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्मूदी हम ड्रैगन फ्रूट से बनाएंगे। ड्रैगन फ्रूट अंदर से रेड और वाइट दोनों आते हैं। आज मैंने रेड वाला लिया है। इसे आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा काट के हाफ कर लेंगे और अब इसे डायरेक्ट मिक्सर जार में काट लेंगे। हाफ फ्रूट ही यूज़ करूँगी स्मूदी बनाने के लिए। इसका छिलका ऑरेंज जैसा मोटा निकलता है। पहले हटा ले या बाद में हटाए, ये फ्रूट थोड़ा जूसी होता है, इसलिए मैं छिलके को बाद में ही हटाऊँगी। और ये फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट भी होता है और टेस्ट में ना खट्टा ना मीठा, थोड़ा फीका टेस्ट लगता है, इसलिए इसे ऐसे ही खाने के बजाय इसका जूस या स्मूदी बना के पिए बहुत बढ़िया लगती है। और इसके साथ ही एक छोटा एप्पल डाल देंगे। एप्पल को बिना छीले ही डालेंगे और एप्पल के बाद ठंडा दूध मिलाएंगे 3/4 कटोरी। और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये 2 चम्मच शहद डाल देंगे, हनी। और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे, पानी का यूज़ नहीं करना है। और ये हमारी स्मूदी रेडी है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ग्लास में निकाल लेंगे। इतने मिक्स से 2 ग्लास स्मूदी बनेगी। थोड़े से छिले हुए एप्पल पीस ऊपर से डाल देंगे। एप्पल पीस के बाद थोड़े से ड्रैगन फ्रूट के पीस भी डाल दूंगी। बच्चों को ये स्मूदी बना के दे, उन्हें बहुत पसंद आएगी। और वापस से ऊपर से लंबी कटी हुई एप्पल स्लाइस डाल रही हूँ और ड्रैगन फ्रूट के एक एक पीस को ग्लास के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। आप इसमें थोड़ा सा लेमन और सॉल्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। आज मैंने इसे एप्पल के साथ बनाया है। आप यदि इसे खट्टे फ्रूट कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज के साथ बनाओगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।